सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन विषय पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकालेंगे, पाठ 7, उसमें आज का डेट डालेंगे। इस पाठ में हम लोग जानेंगे वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार और कुछ एक वचन बहुवचन शब्द। एक वचन से जब बहुवचन हम लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है वो जानेंगे। तो बच्चों, वचन क्या है? वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर यानी 1, 2, 3, 4, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, नंबर 1, 2, 3, 4। तो वचन क्या है? नंबर है। इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा आप लोग सब पढ़े हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चे? कौन बोलेगा? नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। गुड। तो संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है, एक मतलब 1। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक बच्चा, एक घोड़ा आदि। बहुवचन, बहु जैसे एक से अधिक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब एक बच्चा है तो अनेक बच्चे, इसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। अब जैसे आपकी किताब में चित्र दिए गए हैं, देखिए एक दुकान है, बहुत सारे खिलौने हैं और झूला है। तो आइए ये पढ़ते हैं। माधुरी अपने पिता के साथ मेले में गई, वहाँ बहुत से खिलौने बिक रहे थे। उसने एक खिलौना खरीदा, वहाँ बहुत से झूले थे। उसने एक झूला झूला। मेले में मिट्टी के घोड़े भी थे। माधुरी ने अपनी गुड़िया के लिए एक घोड़ा खरीदा। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ शब्दों को रंगीन नीले रंग से लिखा गया है, जैसे खिलौना, खिलौने, झूला, झूले, घोड़ा, घोड़े। क्यों? क्योंकि इसमें वचन के भेद भी बताए गए हैं। जैसे खिलौना यानी एक खिलौना, खिलौने एक से अधिक, बहुवचन शब्द है ये, अनेक खिलौने। से एक झूला एक वचन, झूले मतलब बहुवचन, एक से अधिक झूले। एक घोड़ा एक वचन, घोड़े मतलब बहुवचन शब्द है ये, अनेक घोड़े, कितने भी घोड़े हो सकते हैं। तो बच्चों, वचन से किसी भी वस्तु की संख्या या गिनती का बोध होता है। हम लोग वचन से कोई भी वस्तु को गिनती कर सकते हैं, उसकी संख्या बता सकते हैं, तो उसे वचन कहते हैं। अब इस पेज में वचन के प्रकार बताए गए हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसे एक बार आप लोग घर में पढ़ लेंगे। अब बच्चों, जब हम लोग कोई भी शब्द एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो उसकी कहीं कहीं जगह मात्राएं बदल जाती है, कहीं कहीं जगह अनुस्वार लगता है, कहीं कहीं जगह चंदु बिंदु लगता है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे जब भी आप लोग वचन बदलेंगे। जैसे पहला लड़का लड़के, इसमें कुछ नहीं बदला है। डिब्बा डिब्बे में एक ही मात्रा लगा है। चिड़िया एक चिड़िया है, जब हम इसको बहुवचन लिखेंगे चिड़िया, तो या में आ की मात्रा चंदु बिंदु लग जाता है। जैसे बात बातें, देखिए अनुस्वार लग रहा है अंत में। बच्चा बच्चे, किताब किताबें, देखिए उसमें अनुस्वार लग रहा है। आँख आँखें, रात रातें। तो कुछ कुछ शब्दों में
अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगता है जब हम लोग इसका वचन बदलते हैं। तो इन शब्दों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब कुछ कुछ शब्द ऐसे भी होते जिसकी मात्रा बदलती है, बड़ी की मात्रा जो होती है छोटी की मात्रा में बदल जाती है। जैसे मक्खी, मक्खी में ख में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब उसको लोग बहुवचन में लिखेंगे तो मक्खियाँ, लेकिन जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा बदल जाएगी। उसी प्रकार लड़की, देखिए लड़की में क में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब उसको हम लोग बहुवचन में लिखेंगे तो लड़कियाँ, क में जो बड़ी की मात्रा है छोटी की मात्रा बदल जाएगी और अंत में य में चंद्रबिंदु लग जाएगा। तो इस प्रकार कुछ कुछ शब्द में इस तरीके के बदलाव होते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं इसको आप लोग पढ़ेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा है? जिन शब्दों से वस्तुओं के एक या एक से अनेक का बोध हो से वचन कहते हैं, वचन के प्रकार, ये दो चीज़ हम लोग इस पाठ में सीखे हैं। अब यहाँ बोर्ड में मैंने कुछ कार्य आप लोग को दिए हैं करने के लिए। वचन बदल कर लिखिए, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। शब्द क्या क्या है? पंखा, बच्चा, सपना, बेटा, मेला, पुस्तक, कमरा, डिब्बा, बात, रात। इन सारे शब्दों को आप लोग वचन बदल कर लिखेंगे कॉपी में, और परिभाषा, उसके भेद, वो भी आप लोग कॉपी में लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसे आप लोग घर में अच्छे से घर में अभ्यास करेंगे और एक वचन बहुवचन वाले जो शब्द उसको अच्छे से याद करेंगे।